श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज की कहानी है शव साधना पर। तो आप लोगों को ध्यान होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि शव साधना के बारे में जो साधक होते हैं वो बात नहीं करते, शव साधना के बारे में लोग नहीं बताते। एक बार मैं एक नदी के तट पे बनारस से थोड़ी दूर बैठा हुआ था और वहां पर एक बाबा थे। तो क्योंकि मसान था, बाबा वहां पे रोटी पकाते थे चिताओं पे, हमें भी खिलाते थे, मछली मार के लाते थे, खिलाते थे, तो आनंद आता था। तो हमारे जैसे और साधक भी वहां आते थे। तो उसी में से एक साधक एक दिन मेरे साथ बैठ के हम वार्तालाप कर रहे थे। जब आप नए होते हैं साधना में तो लोग क्या बोलते हैं वो बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी दशा और दिशा तय होती है। तो बात चल निकली तो फिर खोपड़ी रखने पे, हड्डियों की पूजा जो होता है शुरुआत में, अघोर का मतलब हम यही समझते हैं ना। बात आ गई शव साधना पर। तो उसने मुझे बताया कि उसने तो शव साधना कर रखी है, प्रतिष्ठा जो है एक ही बार में वो मेरे सामने स्ट्रगलिंग एक्टर से अमिताभ बच्चन बन गए, अघोर गए। मैंने बोला कैसी होती है शब्द साधना? तो उन्होंने बोला देखो बताना तो मना है लेकिन तुम साधक हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। उनके गुरु जो थे वो एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते थे। इनको खबर मिलती थी तो ये गुरु के पास जाते थे और उनके साथ ही बहुत सारी साधनाओं और चमत्कार को देख करके ये प्रेरित हुए कि इन्हें भी अघोर में आना है। तो कभी उन्होंने इन्हें एक छोटा सा मंत्र दे के सर्प दर्शन कराया, कभी कोई मंत्र दे करके प्रेत दर्शन कराया, और इस तरीके से इनकी जो साधना का जीवन था ये बीतता चला गया, क्योंकि अंतोगत्वा इनका लक्ष्य सिर्फ शक्ति प्राप्ति थी, अघोर की तरह महाशून्य की प्राप्ति नहीं थी उस समय तक। तो इनके गुरु एक बार इनको नदी तट पर ले गए और वहां बैठ गए। बैठे हैं इनके गुरु इनको कुछ बता नहीं रहे हैं, बस बोल रहे थे कि हाँ तुम्हें आज एक साधना करनी है, शराब पिलाओ अच्छी साधना कराऊंगा, शराब पिलाओ अच्छी साधना कराऊंगा। अघोर गुरु क्या मांगता है? जुआ, शराब और भी कुछ। तो उस तरह की वार्तालाप चल रही थी। अघोर गुरु में कोई गुरु चेले का जो वार्तालाप होता है वो बहुत शिष्ट नहीं होता है, मजाक भी चलता है, और पंथों में गुरु से आप मजाक नहीं कर सकते। तो वैसा एक वार्तालाप इन लोगों का चल रहा था, अचानक इनके गुरु उठ के खड़े हो गए कि हाँ तैयारी करो तैयारी करो। अब ये समझ नहीं पाए कि क्या तैयारी करो, तब तक उधर से लाश पे तैयार थी, बोला जाके उसको पकड़ो, उसको पकड़ के लाओ। तो ये लोग तुरंत नदी में कूदे और उस लाश को घींच करके कोने में ले आए। एक लड़की की लाश थी। तो ये जो गुरु थे इनको ज्ञात था कि आसपास के किसी गांव में सर्प के काटने से एक विशेष जाति की लड़की का देहांत हो गया है और उसको जो है जल प्रवाहित करेंगे लोग। तो ये बैठ के बस इंतजार कर रहे थे कि वो लाश वहां से बहाएं और वो बहके इतनी दूर आ जाए जंगल में ताकि ये उसको ले सके। तो उन्होंने ले लिया। उसके बाद अपने चेले को बोली कि अब जो है तुम्हें इस पे करनी है शव साधना। ये शव साधना जो इनको कराई गई वो थी 7 दिनों की। तो बोला कि उस लाश को निकाला, उसको स्नान कराया, उसको नवविवाहिता जैसे वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, उसके बाद 4 मोटी कीले ठोकी जमीन में, जैसे जो तंबू गढ़ते हैं तो आपने देखा होगा वो बड़ी बड़ी कीले होती हैं, वो ठोका, उसमें इसके हाथ पैर बांध दिए।
तो ये बड़ा विचलित हुआ देख के। एक तो ये मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, उस पे इतनी सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी, कहीं से लाश आ गई। अभी तक तो जो छोटी मोटी साधनाएं की थी वो चिताओं पे की थी। हाँ, वो कोई हड्डी उठा के साधना कर ली थी, किसी की लकड़ी उठा के साधना कर ली थी। अब सामने जो है पूरा पूरी लाश थी, वो भी अभी कुछ देर पहले जिसका देहांत हुआ है। हालत खराब। अब सोचो कि एक लाश लड़की की, उसको दुल्हन की तरह सजा दे तो और कितना डर लगेगा। फिर उसका हाथ वाथ बांध दिया, इनको बोला अब बैठ जाओ और अमुक मंत्र का जाप करते रहना, ठीक है, और 7 दिन तक ये जाप करना है, और जैसे ये लाश जागृत हो इसके मुंह में सुपारी भर देना। तो कसैली बहुत सारी उनके बगल में रख दिया इन्होंने। ये सब बंधन वंदन करके अपने रात की तैयारी में थे, कुत्ते वुत्ते ना लगे, वो सब अपना व्यवस्था देख रहे थे। ये लोग शराब पी रहे थे। रात आई, अब जब रात में इन्होंने उस लाश को देखा, इनकी हालत खराब हो गई। इन्होंने बोला गुरु महाराज दंडवत प्रणाम है, ये मुझसे ना होगा, अब मुझे तुम जाने दो। गुरु ने बोला कि देखो अब अगर तुम यहाँ से भागते हो, क्योंकि ये तुम्हारे ही निमित्त इसको निकाला है, ये मुक्त मुक्त नहीं हो पाई है, तो ये तुम्हें तो नहीं छोड़ोगी, तुम भले लाश यहाँ से छोड़ के चले जाओ। अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली हिसाब। तो उन्होंने बोला कि मैंने चुना कि मैं साधना को अब कर लेता हूँ। तो पेट पर बैठ के मुख को देखते हुए, अरे आंखों को देखते हुए, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवती जब भैरव जी की तरफ देखती हैं, जो महादेव होते हैं, तो आंखों में देखती हैं। वो किसी कैसे कैसी भी भगवती की मूर्ति हो, अगर उनके ऊपर है तो वो बिल्कुल आंखों में देखते। तो वैसे ही वो जाप करने लगे। पहला रात निकल गया, कुछ उसमें कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं। और जब सुबह होता था तो ये लोग गड्ढा कोड़ के उसमें उसको छुपा देते थे, ठीक है। और फिर जब साधना करनी हो तो फिर उसको कोड़ के निकाले और फिर उसको ढक देते थे रात में, मतलब साधना होने का, उसको फिर ढक देते थे। बोला जब 3 दिन 4 दिन साधना हो गई तो रिजल्ट तो कुछ नहीं आया, लेकिन जो शरीर था वो गल चुका था, उससे पिल्लू निकलते थे। तो जब वो बैठते थे तो शरीर तो एक पचपच हो गया था, उसका चेहरा खराब हो चुका था, और शरीर में जैसे हाथ लगे तो उंगली अंदर धंस जाए, पिल्लू लग जाए हाथ में। मतलब इतना विक्षिप्त वर्णन उन्होंने किया कि एक आम इंसान जो है वो पागल हो जाए। एक गंध, उस पर वो सड़न की बदबू, ठीक है, उस पे पिल्लू, उस पे रात, उस पे अंधियारा, उस पर ये इंतजार कि अब ये लाश जागृत होगी। 3.5 रात के बाद, 7 दिन में 3.5 रात के बाद पहली हरकत उस शरीर में आई, जैसा उन्होंने बताया। और वो जो हरकत आई वो सिर्फ उसकी उंगलियों में था। तो ये डरे उठे, लेकिन गुरु जो थे वो नदी के दूसरी तरफ बैठ के देख रहे थे। जब भी ऐसी कोई साधना होती है ना, प्रेत साधना, गुरु कभी भी एक स्थान पर नहीं बैठते, वो हमेशा आपसे दूरी बना के बैठेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु के बैठने से आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता है, या कोई भी अनिष्टकारी शक्ति आपके आसपास नहीं होती। अघोर में जब गुरु के साथ हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो देह बंधन, शरीर बंधन, आसन बंधन नहीं करते हैं, क्योंकि वो माना जाता है कि गुरु हैं तो वो ऐसे ही सब बंधन हो चुका है। इसीलिए, क्योंकि ये प्रेत साधना थी और प्रेत को प्रवेश करना था शरीर में, तो गुरु दूसरे तरफ बैठे हुए थे। तो वहां से गुरु ने इशारा किया, बैठ जाओ चुपचाप। अब ये भागना भी चाहें तो ये बैठे, इनको बैठना पड़ रहा था, क्योंकि कोई उपाय तो था नहीं। गुरु ने पहले ही बता दिया था, भागोगे तब भी ये तुम्हारे ही साथ जाएगी। अच्छा, अब ये डर भी लगे, इसकी उंगलियां हिले, तो ये भाग नहीं सकता था, क्योंकि गुरु साथ नहीं दे रहा था। गुरु बोला था बैठो, आगे की साधना करो। चौथे दिन गुरु ने आगे का क्रिया बताया कि अमुक अमुक चीजें तुम्हें अब करनी होंगी ताकि ये जागृत हो जाए। और वैसे ही सुपाड़ी रखी हुई थी और जो व्यवस्था थी पूरी पूजा की वो बढ़ा दी गई। चौथे दिन आँख खुला और वो जो एक चित्कार थी, वो बोल जो उनका कथन था कि वो चित्कार ऐसे थी कि आज भी, मतलब
उनके हिसाब से इस पूरी घटना को काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन वो चित्कार उनको आज भी आती है, मतलब उनको आज भी डराती थी वो, ऐसी चित्कार थी जैसे चित्कार आई है उठ खड़े हुए, उठ खड़े हुए। तो उसने पूरा हाथ वाथ अपना फ्री होने के लिए, पूरा हाथ पैर अपना, वो जो लाश थी वो हिलने लगी। तो फिर गुरु ने वहां से चिल्लाया, इनको ध्यान आया, फिर ये बैठे मंत्र जाप करने लगे, उसके मुंह में सुपारी डाली और वो शांत हो गई। फिर आगे की क्रियाएं हुई, रोज वो आगे के 2 दिन जो है वो क्रिया करते, फिर उसको गाड़ते निकालते। 7वें दिन तक उन्होंने बोला कि आप जहां पर हाथ डालते थे वहां से उसका मांस बाहर आ जाता था। लेकिन अंतोगत्वा ऐसा हुआ कि जो सिद्धि उनको चाहिए थी उससे मिल गई, और उसके बाद वो जो शक्ति थी वो इन लोगों ने वापस उसको बांध के और उस शरीर को जल प्रवाहित कर दिया। तो पूरी कहानी सुनी मैंने, बोला कि आपने बोला कि ये कहानी किसी को बता नहीं सकते, तो फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? उन्होंने बोला, इस शक्ति का मैंने परित्याग त्याग कर दिया है, जो ज्ञान जो शक्ति मुझे इस साधना में मिली थी उसका मैंने परित्याग कर दिया, उस गुरु का मैंने परित्याग कर दिया, ठीक है? क्योंकि इस एक साधना के बाद गृहस्थ होते हुए मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी जो मतलब एक आम व्यक्ति के लिए बहुत कष्टकारी और दुखदाई है। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा गुरु चुना, उन्होंने इस पूरे प्रकरण का प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करने के बाद नए सिरे से फिर से साधनाएं शुरू की। इसमें एक विषय और था, जो इन्होंने शव साधना किया और जो शव साधना से इन्होंने प्राप्ति किया वो फल गलत था। शव साधना से वो फल की प्राप्ति नहीं होती है जो इनके गुरु ने इनसे करवाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो पावर ओरिएंटेड होते हैं, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, वो यूज़ करना जानते हैं इंसान को या आत्मा को। तो ऐसे तांत्रिकों से जो जादू दिखा, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि दूर रहा करें। तो ऐसा होता है सब साधना, मतलब ऐसा भी होता है सब साधना, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है सब साधना। तो आप लोग बहुत बार पूछते थे कि सब साधना कैसी होती है, तो मैंने हमेशा बताया कि जो सब साधना करते हैं वो कभी बताते नहीं उन्होंने सब साधना की है, और ना ये बताते हैं कि उन्होंने कैसी सब साधना की। ये कहानी थी, किसी ने मुझे बताई, आज आप लोगों से साझा किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ आपके ज्ञान चक्षु खुले होंगे कि शव साधना से क्या होता है और क्यों होता है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें हम साधना का जो शुरुआती आयाम है वो आपको बताते हैं, साधक का जीवन कैसा हो। जो और जानकारी चाहते हैं वो www.aghortantrarahasya.com पर लॉग इन कर सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए। कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आपको मिलेगा। भगवान भैरव आप लोगों की रक्षा करें हर दुष्ट आत्मा से, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।